बिना ड्राइवर के एक ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से 84 किलोमीटर तक पटरी पर दौड़ती रही। यह घटना रविवार सुबह 7:10 की है। कंक्रीट से लदे 53 कंटेनरों वाली एक मालगाड़ी रविवार सुबह कठुआ और पठानकोट के बीच बिना पायलट के 84 किलोमीटर तक पटरी पर दौड़ती रही। रेलवे को जब इस घटना की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। इस दौरान ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। शुरुआती जांच में पता लगा कि पायलट चाय पीने उतरा था और इंजन बंद करना ही भूल गया। ट्रेन को पंजाब के मुकेरिया के ऊंची बस्ती इलाके में रोका गया। फिलहाल गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेलवे ने घटना पर सख्ती बरतते हुए जांच शुरू कर दी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। जम्मू रेलवे स्टेशन के निदेशक और मंडल यातायात प्रबंधक प्रतीक श्रीवास्तव ने कहा, रेलवे को मुकेरिया के ऊंची बस्ती पर रोकने के लिए हमने अपने सभी कर्मचारियों को सतर्क करना पड़ा। यह घटना कैसे हुई यह जानने के लिए कठुआ स्टेशन पहुंचे श्रीवास्तव ने कहा, हम घटनाओं के पीछे के कारणों की जांच कर रहे हैं कि लोको पायलट इंजन पर क्यों नहीं था और ट्रेन अपने आप कैसे चलने लगी। इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और दोषी पाई जाने वाले लोको पायलट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा भविष्य में ना हो। हालांकि डीटीएम ने कहा, हमने ट्रेन को रोकने की हर संभव प्रयास की, सभी स्टेशनों को सतर्क किया और सभी स्टाफ को जल्द से जल्द तैनात कर दिया और ट्रेन को किसी भी दुर्घटना से बचाने और उसे सुरक्षित पड़ाव पर लाने के लिए एक रेल ट्रैक तैयार किया। हम सफल हुए और ट्रेन को ऊंची बस्ती में रोक दिया गया।